सा तेल जिससे कि होल्डिंग कैपेसिटी और बनावटी ये सुंदर लगे। साथ ही में ऊपर से हल्का हल्का कलर किया जाता है, रेड और गोल्डन कलर में हम बनाते हैं क्योंकि सनातन धर्म में रेड कलर का बहुत अच्छा मान्यता है। हमारे नवरात्र होते हैं उसमें भी रेड कलर को शुभ माना जाता है। और गाय का गोबर जिसमें कि गौ माता के गोबर से ये दीपक बने हुए हैं, तो ये वैदिकता हम चाह रहे हैं कि इस बार की दिवाली ये चाइनीज माल हटा करके, चाइनीज लाइट हटा करके सब अपने वैदिकता के साथ मनाएं। गाय का गोबर है जो कि हमारे सनातन का काफी पुराना प्रतीक है, इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पूरे गाय के गोबर के हम दीपक तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ अपने भारत में नहीं, विदेश में भी इसकी काफी डिमांड हो रही है। हमारे अमेरिका से 2 लाख से भी ऊपर दीपकों का ऑर्डर आ गया है क्योंकि अमेरिका को भी इस बार धूमधाम अपनी दिवाली मनानी है वैदिकता के साथ। साथ ही में मॉरिशस एक कंट्री है, वहां से भी हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं दीपकों के। और भारत में भी अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, जैसे कि पुणे से आया है, यूपी के हापुड़ से आया है 35,000 दीपकों का, और बाहर मॉरिशस से आया है 2.5 लाख दीपकों से ऊपर ऑर्डर। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके चाइनीज माल का अवॉइड करें और अपनी वैदिकता के साथ दिवाली मनाएं। नाम बताओ। मेरा नाम दिव्यांशी है। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि एक तो जो गौ माता है इसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और उसी प्रकल्प में हम गाय के बने उत्पादों से दीपावली बनाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि जो जितनी भी लाइटिंग आती हैं, जितनी भी झालरें आती हैं, सब चाइना की आती हैं, और आखिरकार जो दीपावली का त्यौहार है वो हिंदुस्तान का त्यौहार है, तो इसमें भावनाएं हैं वो हिंदुस्तानियों की होनी चाहिए, ना कि किसी और देश की। इसके अलावा जो गाय के बने हुए दीपक हैं वो इतने सुंदर और सुदृढ़ हैं कि पहली बात तो अब उनमें काफ़ी सुधार करके बनाया गया है जिससे कि जलते नहीं हैं। पहले होता था कि कच्चे गाय के गोबर के दीपक बनते थे और खुद जल जाते थे। अब आप इनको गाय के गोबर के दीपक से जो बने हुए दीपक हैं उनसे आप अपनी दिवाली को प्रकाशवान करें। उसके बाद इसके थ्रू हम इसके माध्यम से अपने एक जैविक किसानों को और जैविक कृषि को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोग जैविक कृषि के प्रति जागरूक हों और जैविक कृषि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के लिए वो एक अच्छा कार्य कर सकें। बाकी जो दीपक मिलते हैं उनके मुकाबले इनके प्राइस में क्या है डिफरेंस? और देखिए प्राइस की अगर हम बात करें तो जो हमारे गाय के गोबर से बने हुए दीपक हैं उनका मूल्य 5 रुपये प्रति दीपक के हिसाब से है, और अभी इनको हमने अमेरिका भी भेजा है। 10 लाख दीपक अमेरिका से ऑर्डर आया हुआ है इस बार का, जो हम ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं, और अन्य अन्य देशों से भी ऑर्डर आए थे जो हम ऑलरेडी डिस्पैच कर चुके हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल।